आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बात आती है ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल की, जिन्होंने लॉजिक से बायोलॉजी की तरफ रुख किया। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं, और इसे टेक्सोनॉमी का फाउंडर भी कहा जाता है। इनके बेसिस पर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर सभी प्लांट्स को तीन भागों में बांटा, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स, और सभी एनिमल को दो भागों में बांटा, रेड ब्लडेड एनिमल जिनके रेड ब्लड थे और जिनके पास रेड ब्लड नहीं थे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पहले लिनियस की, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का न्यूट्रिशन और लोकोमोशन। इनके आधार पर पहला ग्रुप बना प्लांटी, दूसरा ग्रुप बना एनिमिलिया। प्लांटी में सभी प्लांट्स आते हैं और एनिमिलिया में सभी एनिमल्स आते हैं। इनके सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि कौन सा यूकेरियोट्स हैं, कौन प्रोकेरियोट्स हैं, कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी हैं और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जिन्हें फंजी कहा जाता है आजकल। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हुए, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हुए एनिमल्स के और मेंबर्स हुए जो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आते थे। इसीलिए इस सिस्टम को इनएडिक्वेट कहा गया, इनसफिशियंट फॉर द पर्पस, मतलब क्लासिफिकेशन का कंप्लीट पर्पस ये नहीं पूरा कर पाया। तो आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटकर ने 1969 में प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने पांच ग्रुप बनाए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई, पांचवा एनिमिलिया। एक एक करके हम लोग इसको आगे देखेंगे। अब किस आधार पर उन्होंने बांटा इसको समझते हैं। ऑर्गेनिज्म को पहले दो ग्रुप में बांटा, आइदर तो वो प्रोकैरियोट होंगे आइदर तो वो यूकैरियोट्स होंगे। जो प्रोकैरियोट्स हुए उन्हें कहा गया मोनेरा। तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया, ये यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट्स होंगे, सभी प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूकैरियोट्स में जो आए उन्हें दो भागों में बांटा गया, आइदर तो वो यूनिसेलुलर होंगे आइदर तो वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो जो यूनिसेलुलर हुए उन्हें कहा गया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का क्या करेक्टर हुआ, यूनिसेलुलर तो होंगे लेकिन यूकैरियोट्स होंगे। मोनेरा को हम लोग कह रहे थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब मल्टीसेलुलर जो हुए उनमें दो कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी विथ सेल वॉल, दूसरा विथआउट सेल वॉल। जिनके पास सेल वाल थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक तो ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटरोट्रॉफ। तो जो ऑटोट्रॉफ थे उन्हें नाम दिया गया प्लांटी का, और जो हेटरोट्रॉफ थे उन्हें नाम दिया गया फंगाई का। अब जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता था, विदाउट सेल वाल, उन्हें कहा गया एनिमिलिया। तो टोटल पांच ग्रुप बनाए, पहला ग्रुप मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप सभी इससे बेहतर रूबरू होंगे। तो सेल टाइप के आधार पर सिर्फ मोनेरा ही था जो प्रोकैरियोटिक नेचर के थे, बाकी सभी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया यूकैरियोटिक नेचर के थे। अब सेल वाल की अगर बात करेंगे तो सेल वाल ये नॉन सेलुलर होते हैं, तो ये पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बने होते हैं। इस कुछ प्रोटिस्टा में सेल वाल पाए जाते हैं, फंगाई में सेल वाल होता है लेकिन ये काइटीन का बना हुआ होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होते हैं। प्लांटी में सेल वाल होते हैं और वो सेलुलोज के होते हैं। एनिमिलिया में सेल वाल अब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया था प्रोकैरियोट में, इसलिए यहाँ पर एब्सेंट होगा।
और सभी में यूकेरियोट्स हैं, इसलिए सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये एक रेगुलर डेवलपमेंट है। पहले सेल लेवल का होते हैं तो मोनेरा सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर है तो सेलुलर होगा। फंगाई में मल्टी सेलुलर का ऑर्गन आ जाएगा, लूज टिश्यू होंगे। इसके बाद प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, और एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ही। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक क्या है, फोटोसिंथेटिक क्या है। ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे एक बार डिटेल से। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। फंगाई हमेशा ही हेटरोट्रॉपिक होते हैं, आइदर सेप्रोफाइटिक होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक उसको कहते हैं जो डेड एंड डीके पे रहता है, और पैरासिटिक वैसे करते हैं जो डिपेंड करता है लाइव ऑर्गेनिज्म पे। प्लांटी हमेशा ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटो में भी फोटो ऑटोट्रॉप होंगे ये, और एनिमिलिया तो हमेशा ही हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसका मोड या तो होलोजोइक हो सकता है तो सेप्रोफाइटिक हो सकता है, मतलब या तो सॉलिड फूड लेते हैं जिसको होलोजोइक कहते हैं, या डेड को लेते हैं जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक कहते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं पांचों किंगडम को। मोनेरा है, यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। इन दोनों में इतना ही अंतर है, कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा होता है, और कोई भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोनेरा होता है। फंगाई का क्या है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसका खास जो है गुण वो है कि ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में भी या तो सेप्रोफाइटिक होंगे, आइदर तो पारासाइटिक होंगे। इसमें सेल वॉल होता है, लेकिन ये काइटिनस सेल वॉल होता है। ये दो चीज़ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हेटरोट्रॉपिक और सेल वॉल विथ काइटिन। अब प्लांटी की बात करें तो ये सभी मल्टीसेलुलर होंगे, यूकेरियोट्स होंगे, फोटोट्रॉपिक होंगे और सेल वॉल होंगे सेलुलोज का। एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म और सेल वॉल नहीं होता। फंगाई और एनिमिलिया में कुछ गुण मिलते जुलते हैं कि वो भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर, वो हेटरोट्रॉपिक, ये भी हेटरोट्रॉपिक। डिफरेंट क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता एनिमिलिया में, फंगाई में सेल वॉल पाया जाता है काइटिन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करें, मदद करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसमें पॉइंट करने वाली नोट क्या थी कि पहले क्लासिफिकेशन में ये सभी बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एनगी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट के अंदर थे, लेकिन जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया तो क्लामाइडोमोनास, पारामीसियम, अमीबा, क्लोरेला, ये सभी किस में आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और यूकेरियोट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं मोलेरा को। सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा होते हैं, टिपिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ ग्रुप होते हैं जो माइसीलिया बनाते हैं। माइसीलिया मतलब वो एक नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया। अब मोनेरा का कुछ गुण डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर, इसमें नेकेड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनवेलप नहीं होते न्यूक्लियर का, जहाँ पर सभी क्रोमोजोम एक स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें राइबोजोम 70S का होता है। इसमें सेब वैक्यूल जो प्लांट में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट पाए जा सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्बेटिक होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, लेकिन कुछ ग्रुप इसके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ ग्रुप इसके कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को हम लोग देखेंगे आगे। इसमें ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल अगर होंगे, ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल होते हैं उसमें फ्लजिला पाए जाते हैं जो ग्लाइडिंग से मूवमेंट करते हैं या फ्लजिला के वीटिंग से मूवमेंट करते हैं। फ्लजिला जो होता है वो चेन का बना होता है, प्रोटीन चेन का, जिसको हम लोग फ्लजिलीन कहते हैं। इसमें प्राइमरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग, और
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब माइटोटिक होता है तो माइटोटिक एपरेटस जो होते हैं वो नहीं बनते, इसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, वेल नोन है ये जो है वो फिम्ब्री हैं। बैक्टीरिया के सबसे आउटर लेयर में जो होता है लेयर में वो कैप्सूल होते हैं, इसको हम देख सकते हैं, सबसे बाहरी लेयर जो होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर सेल वाल होता है और सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होते हैं। पहले कैप्सूल हुआ, इसके बाद सेल वाल होते हैं, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोजोम का, ये इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। अब अगर इसकी बात करें बैक्टीरिया का, तो ये कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, कहीं भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये पारासाइटिक नेचर के हो सकते हैं, ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव करते हैं। इसका मेन जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एसेक्सुअली होता है, फ्यूजन के द्वारा। ये टूट जाते हैं, एक से एक है, इसमें फ्यूजन हो जाएगा, ये दो बन जाएंगे। कभी कभी जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो ये स्पोर बनाता है। स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हार्ड, जिसमें किसी दूसरे केमिकल्स या किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मेटाबॉलिक रेट खुद का एक कम कर लेता है और बहुत दिनों तक इसमें सर्वाइव कर सकता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा ये फिर से एज ए बैक्टीरिया जर्मिनेट कर जाएगा। एक मोड और है रिप्रोडक्शन का इसमें, जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। एक तरह से इसको बैक्टीरिया का सेक्सुअल मोड भी कहते हैं रिप्रोडक्शन का। अब बैक्टीरिया को चार ग्रुप में बांटा गया है मेनली इसके शेप के आधार पर। पहला है कोकाई जो कि स्पेरिकल होते हैं, दूसरा है बेसिलाई जो रॉड सेपेट होते हैं, स्पायरिला जो स्पायरल होते हैं और उसमें फ्लाजेला होता है, चौथा है विब्रियो जो कोमा सेप्ट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉप में से या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब ये लाइट एनर्जी यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब हो गया ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है, इसको कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। बहुत सारे बैक्टीरिया मोस्टली जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं। अब बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि कॉस्मोपोलिटन होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, चाहे डेजर्ट हो या हॉट स्प्रिंग हो। तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेलोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है हेलो बैक्टीरियम, हेलोकोकस। जो हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पे उसको हम लोग कहते हैं थर्मोसिडियोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है सल्फोबोलस, थर्मोप्लाज्मा। और जो मार्सी एरिया में पाया जाता है वो मिथेनोजेंस होते हैं, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथिनोबैक्टीरियम या मिथिनोलिनिया। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं? इसके दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होने का मेन रीजन है कि इसका सेल वाल को जो स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, और इसी सेल वाल स्ट्रक्चर के कारण ही ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव भी कर पाते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका सेल वाल स्ट्रक्चर सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजन के बारे में हम लोग वेल नॉन हैं, हम लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि इससे मिथेन जो गैस होता है बायोगैस प्रोडक्शन कराते हैं इसी से। ये रोमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जैसे कॉ के गट में, बेफेलो के गट में, और मिथेनोजन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एक्चुअल बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया ही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें रिजिड सेल वाल होते हैं पेप्टिकोग्लाइकॉन का। अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लेजेलम होंगे जो कंपोज्ड होता है प्रोटीन का, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेजेलिन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास क्लोरोफिल होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल से काफ़ी मिलता जुलता होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलिनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मेराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं ये।
जो कॉलोनी में पाए जाते हैं वो सराउंडेड होते हैं जिलेटिनस सीथ से, फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ, और ये ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में, जहाँ वाटर पोल्यूटेड होता है वहाँ पे ब्लूम बनाता है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स करता है जिसको हम लोग कहते हैं हेटरोसिस्ट। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेटरोसिस्ट, ये है हेटरोसिस्ट, इसका एक स्पेशलाइज सेल है जहाँ फिक्स नाइट्रोजन को ये रखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबिना। आइए हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं बैक्टीरिया न्यूट्रिशन का। बेस्ड ऑन कार्बन सोर्स दो भागों में बांटा जाता है, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। हम लोग समझते आते हैं कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेटेरो मीन्स होता है अदर। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद भोजन बनाता है, हेटरोट्रॉप मतलब जो दूसरे के भोजन पर निर्भर करता है। लेकिन जब बात आता है फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप और एक आता है कीमो ऑटोट्रॉप जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक। फोटो ऑटो कहने का मतलब, यहाँ ऑटो का अर्थ है ऑटो मतलब जो CO2 को फिक्स करता है, फ्री CO2 को, और हेटरो का मतलब होता है एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कार्बन को ग्रोथ के लिए फिक्स करता है। तो बेस्ड ऑन एनर्जी दो भागों में बांटा जाता है न्यूट्रिशन को, फोटोट्रॉप्स मतलब जो लाइट एनर्जी का यूज करता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है कार्बन को फिक्स करने के लिए, उसको कहते हैं कीमो। अब हम लोग समझ सकते हैं इससे फोटो ऑटो कहने का मतलब हुआ वैसे ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करे CO2 को फिक्स करने के लिए, और अगर बात करेंगे कीमो ऑटो का तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी होता है उसको यूज करता है CO2 को फिक्स करने के लिए, हो गया कीमो ऑटोट्रॉप्स। बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सोर्स दो भागों में इसको भी बांटा गया, लिथोट्रॉप्स कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सबस्टांस को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, और ऑर्गेनोट्रॉप्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। अगर कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हो, जैसे बात करते हम लोग लीथो फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो हम लोग समझ जाएंगे लीथो मतलब हो गया कि ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस को एज इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहा है, फोटो मतलब लाइट एनर्जी यूज कर रहा है, और ऑटो मतलब ये CO2 को फिक्स करेगा। कीमो ऑटोट्रॉप, तो हम लोग समझ गए कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब समझ गए कि ये केमिकल कंपाउंड को यूज कर रहा है एज ए एनर्जी सोर्स और CO2 को फिक्स करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इससे जो रिलीज होता है एनर्जी उसको यूज करता है ATP प्रोडक्शन में, CO2 फिक्सेशन और ATP प्रोडक्शन में ये केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलता है उसको यूज करता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कीमो मतलब केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेता है और CO2 को फिक्स करता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे NH3 है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा ये Na2- बनाएगा, ये अमोनिया का ऑक्सीडाइजर है, जैसे कि नाइट्रोशो मोनास यूरोपिया। इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये सभी जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में मदद करेगा, ये सल्फर रिसाइकलिंग में मदद करेगा, ये आयरन रिसाइकलिंग में मदद करेगा, इसको जो आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजर है या नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये न्यूट्रिशन के रिसाइकलिंग में मदद करता है। तो हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। ये सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। ये ज़्यादातर डिकम्पोजर होंगे, जो भी डेड डीके होगा उसको डिकम्पोज करेगा। ये दूध से दही बनाने में मदद करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम्स रूट में, जो दलहन रूट होते हैं, दलहन पौधा का रूट, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं जो डैमेज करता है एनिमल या प्लांट्स को। जैसे कि ह्यूमन के लिए ये क्या है,
हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे पैथोजन होते हैं, क्रॉप के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होते हैं, पेट्स के लिए भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइडा, टिटिनस, साइट्रस कैंकर। ये नींबू में होने वाली बीमारी है साइट्रस कैंकर, ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से वेल नोन डिजीज हैं। दूध से दही कैसे बनता है? ये मिल्क में प्रोटीन होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं दूध में, जब प्रोटीन डाइजेशन होने लगता है, उसका बाय प्रोडक्ट एसिड होता है, तो मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक। और जब हाईली एसिडिक होता है मीडियम, तो वो दूध से दही बन जाता है, वो जम जाता है। यही प्रोसेस है दूध से दही बनने का। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये लैक होते हैं सेल वॉल के, इसमें सेल वॉल नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म है, ये सॉल्यूबल आरएनए है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये डीएनए है, ये सॉल्यूबल प्रोटीन है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन के तीन लेयर होते हैं इसमें, लेकिन सेल वॉल नहीं होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है माइकोप्लाज्मा का कि जब भी किसी प्लांट पर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, ये है आपका फ्लावर, अगर इस पे माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन इस प्लांट पे हो जाएगा, तो इसके सभी फ्लावर का कलरफुल चाहे कोई भी हो वो ग्रीन हो जाएगा। इसके फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे? ग्रीन हो जाएंगे। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन का इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी फ्लावर किसी भी कलर का हो, अगर उसमें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ये फाइव किंगडम में से दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जो कि पहला यूकेरियोट्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर है, ये सभी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं यूनिसेलुलर, उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली ये एक्वेटिक ही होते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जो लिंक बनाता है अलग अलग दूसरे प्लांट या एनिमल या फंजाई से। इसका खास कैरेक्टर है, इसमें डिफाइन न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि यूकेरियोट्स हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें फ्लैजेला और सीलिया भी होता है जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है लेकिन इसमें पाए जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, इसमें फ्यूज़न होते हैं दो सेल का जिससे जैगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूगलिनोइड्स, स्लेम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस। ये पांचों हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप पहला प्रोटिस्टा है क्रेसोफाइट्स, इसमें मेनली आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको हम लोग डिसमाइट्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये करंट वाटर के फ्लो में जो है वो बहता है, जिसको हम लोग प्लैंकटॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये लाइट से फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये देख सकते हैं ये गोल्डन एल्गी का पिक्चर है, और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इसके कारण फिश किलिंग भी होता है, ये टॉक्सिक जनरेट करते हैं जिसके कारण फिश जो है वो किल्ड हो जाते हैं। पहला क्रासोफाइट्स है डायटम, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इसके बहुत सारे स्पीसीज एग्रीगेट करके एक चेन बना लेता है। इसका सबसे खास बात यह है कि इसके जो सेल वॉल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, और ये सेल जैसे साबुन का डब्बा होता है, आधा आधा दोनों तरफ से होते हैं जो टाइटली फिट होते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर से फिट होता है, एक नीचे से फिट होता है, सोप के साबुन के जैसा, जैसे आप फिगर में नीचे देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फिगर्स हमने दिए हैं नीचे। जहाँ ये बहुत दिनों तक रहता है, तो ये अपने पीछे सेल वॉल डिपोजिशन करता है अपने हैबिटेट में, जो एक्यूमुलेट होके जब बहुत बिलियंस ऑफ ईयर में जब एक्यूमुलेट होते हैं, तो इसको एक नाम दिया जाता है, डायटमस अर्थ कहा जाता है उसको।
बींग ग्रिटी सॉइल, ये इतना चमकीला होता है, ये सॉइल ऐसा बन जाता है ये, कि इसको पॉलिशिंग में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं ऑयल के, या सिरप में भी इसको यूज करते हैं। इसका जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये ओशियंस के, यानी कि ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर समझते हैं हम लोग, जब हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो सनलाइट से सीधे भोजन बनाता है, फोटोसिंथेटिक करता है, तो ये ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा यहीं से एनर्जी कैप्चर होता है सनलाइट का, और अलग अलग हायरार्की में जाता है। इसके बाद दूसरा प्रोटिस्टा है डायनोफ्लैजेलेट्स। ये मोस्टली जो होते हैं मेराइन होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं। ये लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ये किसी कलर के हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, और रेड भी होता है। डिपेंड करता है कि उसके पास, उसके सेल में किस तरह के पिगमेंट्स हैं। सेल वाल जो होते हैं इसका, सेलुलोज प्लेट्स के बने होते हैं आउटर सरफेस में। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टिप सेलुलोज होता है इसका, जो आउटर प्लेट होता है वो स्टिप सेलुलोज प्लेट का बना होता है। इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सली। यहाँ नीचे वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये एक तो ट्रांसवर्सली इस टाइप का फ्लैजेला है, और दूसरा है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। इसमें दो तरह के फ्लैजेला पाए जाते हैं। कभी कभी जो होते हैं, एक रेड डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जिसको हम लोग गायनोलक्स कहते हैं। ये इतना तेजी से डिवाइड करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, कि ये समंदर को ही लाल जैसा दिखाता है, जिसको हम लोग रेड टाइट करते हैं, एकदम रेड अपीयरेंस कर देता है। इसका एक और गुण है कि डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अलग जो एनिमल्स होते हैं या वहाँ पर जो फिश होते हैं वो किल हो जाते हैं। रेड टाइड को देखना है तो ये देखिए, ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स के पिगमेंटेशन के कारण ये इतना रैपिड डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, कि ये पूरा जो है लाल दिख रहा है, ये सिर्फ डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में यूग्नेलॉइड्स। यूग्नीना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल नहीं होता, उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकिल, जो इसका बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता, उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकिल, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक शॉर्ट फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और जब ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं तो एज हेटरोट्रॉपिक भी बिहेव करते हैं, और प्रीडेटिंग प्रीडेशन नेचर पे प्रीडेटिंग करके, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटिंग करके भोजन ग्रहण करता है, फूड लेता है। इंटरेस्टिंगली एक बात यह है इसमें, कि इसके जो पिगमेंट होते हैं ग्लेनोलॉइड का, वो आइडेंटिकल होते हैं पिगमेंट का जो हाइयर प्लांट में पाए जाते हैं। इसका मोस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब ये डेड और डीके पे डिपेंड करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं होते हैं। इसका बॉडी मूव करता है डिकेइंग ट्विग्स, इसका स्लीप्स या इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड एंड डीके रहेगा ये उसके साथ ही मूव करता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशन होगा तो ये एग्रीगेट कर जाएगा बहुत सारे, और क्या बना देगा, प्लाज्मोडियम। और जब नहीं रहेगा इसका सुटेबल कंडीशन, तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मोडियम, और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा और उसमें स्पोर बनाएगा। हम लोग पहले भी देखते हैं बैक्टीरियल के केस में, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वह एक स्पोर बनाता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, और जब ये प्लाज्मोडियम बनाएगा, फेवरेबल कंडीशन रहेगा, तो ये पूरी तरह से ग्रो करेगा, सेवरल्स ऑफ सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। इसका जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल्स होते हैं, जो कि उसको कवर करता है किसी दूसरे केमिकल्स या किसी अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने में मदद करता है।
ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और सर्वाइवल के लिए बहुत साल, मेनी ईयर्स, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, जब तक एडवर्स कंडीशन में रहेगा तब तक वो उसको ज़िंदा रखेगा, इसीलिए वो स्पोर बनाता ही है। और जब स्पोर बनता है तो वो एयर करंट के साथ डिस्पर्स हो जाता है, और जब भी इसको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो फिर से स्लाइम मोल्स के तौर पे उभर आता है। तो ये देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है, जब ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और जब अनफेवरेबल होता है तब ये स्पोर बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो लाइफ साइकिल में क्या है, ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, ये फ्लैजेलेटेड सेल बनाएगा, और फिर ये सिनगैमी मतलब आपस में मेटिंग करेगा, और ये जैगोट बनाएगा, फिर इसमें मैटोसिस होगा, फिर ये फीडिंग प्लाज्मोडियम बनाएगा, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करेगा और मेच्योर प्लाज्मोडियम होगा, और जब अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा या कंप्लीट मेच्योर हो गया, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, फिर ये यंग स्पोरेंजियम बनाएगा और उससे स्पोर बनाएगा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा है प्रोटोजोअन्स, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एज ए प्रिडेटर भी ये बिहेव करता है, पैरासाइटिक भी बिहेव करता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल के। इसके फोर मेजर ग्रुप्स हैं, पहला एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलेटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। एमोबॉयड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, और मोस्ट सेल में भी पाए जाते हैं सोयल में। एज ए प्रीडेटर जब बिहेव करता है तो ये मूव करता है प्रे के तरफ सूडोपोडिया से, पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फिट जिसको कहते हैं, अमीबा जिस तरह से जाता है, और मेराइन फॉर्म में सिलिका सेल होते हैं इसके ऊपर सरफेस पर, और पैरासाइटिक के नेचर में, जैसे कि एंट अमीबा जो है वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये प्रीडेटर नेचर के भी बिहेव करते हैं और पैरासाइटिक नेचर में भी बिहेव करते हैं। दूसरा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, इस मेंबर के जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आइदर तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं, मतलब ये फ्री भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग, किसी से कोई लेना देना नहीं, या किसी लिविंग के ऊपर भी हो सकता है पैरासाइटिक नेचर। इसके पास फ्लैजेला होते हैं इसीलिए इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं वो डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ट्रेपेनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, एक्टिवली मूव करते हैं किस क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, इसीलिए इसको सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। इसके पास एक कैविटी होता है, इसको गुलेट कहते हैं हम लोग, ये ओपन होता है आउटसाइड की तरफ से सेल सरफेस की तरफ। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया के मदद से ये, इसके कारण ये वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम, स्पोरोजोअन्स। इसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो इन्फेक्टियस स्पोर का एक स्टेज रखता है उसके लाइफ साइकिल में, जैसे कि सिंपल सा हम लोग समझें कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है, इससे मलेरिया होता है, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हम लोग मलेरिया के बारे में हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट किंगडम है फंजाई, ये सबसे यूनिक किंगडम है, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, सभी हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में ये तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं, एक सेफ्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेफ्रोफैटिक मतलब ये ऑर्गेनिक जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक होते हैं इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, मतलब डेड एंड डीके सॉल्युबल ऑर्गेनिक को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये डेड मैटर पे हमेशा होता है। पैरासाइटिक नेचर मतलब ये लिविंग पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये एसोसिएट करते हैं एल्गी के साथ जब, तो उसको लाइकेन कहते हैं, तो लाइकेन में क्या हो जाएगा, फंगी प्लस एल्गी, एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। और जब ये रूट में होता है तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया, माइको मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब होता है रूट, तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है, इसके सेल वॉल होते हैं काइटिन का बना हुआ और पॉलीसेक्राइड का, इसमें सेलुलोज नहीं होता है।
सेलुलोज का सेलवाल नहीं होता है इसमें। कुछ फंगस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर जो ईस्ट होते हैं वो फिलामेंटस नहीं होते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपोलाइटन, ओकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स। कॉस्मोपोलाइटन करने का मतलब है कि सभी जगह पाए जाते हैं, एनिमल में, प्लांट्स में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह। अब फंजाई का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एक है हाइफा, दूसरा माइसीलियम, तीसरा राइजोइड। हाइफा होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ हाइफा कंटिन्यूस ग्रो करते हैं ट्यूब लाइक। कंटिन्यूस ग्रो करने के बाद अगर उसमें सेक्शन नहीं होता तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीनोसाइटिक हाइफा। और अगर उसमें सेप्टा होता है, अगर उसमें पार्टीशन हो जाता है तो हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होते हैं, इसको पार्टीशन को लोग कहते हैं सेप्टम। सेल वाल होते हैं, फंगस सेल वाल होंगे, ये न्यूक्लियस है। तो ये हो गया सेप्टेड हाइफा और ये हो गया सीनोसाइटिक हाइफा। हाइफा है क्या? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसमें माइसीलियम और राइजोइड। हाइफा ए फिलामेंटस फंगस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं फंगस का, हम लोगों ने देख लिया। अब हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। जब हाइफा, एक एक हाइफा ऐसे नेटवर्क बनाता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल पिक्चर है माइसीलियम का। राइजोइड होता है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करता है फंजाई को नीचे से, ये एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस स्टोलोनिफर। ये ब्लैक ब्रेड मॉल्ड भी है, ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ये राइजोइड का स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट, इसको हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ फंगी होते हैं जो डिजीज काउज करते हैं प्लांट में, एनिमल में, जैसे कि व्हीट रस्ट पक्षिनिया के कारण होता है, ये गेहूं का डिजीज है। कुछ जो होते हैं वो सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में मदद, जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाने में मदद आता है, जैसे कि मॉल्ट्स हैं और ऑरेंज रॉट हैं या ब्रेड है, कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, या टूडस्टूल है, वाइट स्पॉट जैसे कि मस्टर्ड लीव्स में होते हैं, ये सभी पारासाइटिक फंगस के कारण होते हैं, ये सभी डिजीज होते हैं फंगस के कारण। जैसे हम लोग देख सकते हैं घर में भी अगर ब्रेड रह जाता है तो दूसरे दिन ये वाइट कलर का या ब्लैक कलर का आ जाता है, वो फंगस के कारण ही आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इन फंगस। पहला है कि वेजिटेटिव मीन के कारण हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंट हो जाना, फ्यूजन हो जाना, बडिंग हो जाना, जैसे ईस्ट में बडिंग होता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से, जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं, या स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, या जू स्पोर भी कहते हैं उसको, या ओडो स्पोर कहते हैं, या क्लेमिडियो स्पोर कहते हैं। तीसरा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऊ स्पोर के द्वारा होता है, एस्को स्पोर के द्वारा हो सकता है, जैगो स्पोर के द्वारा होता है, बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है। ये अलग अलग नाम क्यों है स्पोर के? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस में डिफरेंट डिफरेंट, जब फ्रूटिंग बॉडी होता है तो उसे डिफरेंट टाइप के स्पोर जनरेट होते हैं। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के कारण जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर जनरेट होते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं। सिंपली समझिए, ये हाइफा है, माइसीलियम बनाया, ऊपर वाले को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और नीचे माइसीलिया है। तो स्पोर में एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, नाम याद रख सकते हैं आप, और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अगर ये स्पोर का बात कहीं करते हैं मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर ऐसे स्पोर की बात करते हैं मतलब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे कि हम लोग बात किए कोनिडिया का, तो ये है कोनिडियो स्पोर, जहाँ से कोनिडिया निकलेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी हुआ, कोनिडियो स्पोर से निकलेगा कोनिडिया और इससे
रिप्रोडक्शन हुआ, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक्सोजीनस है, मतलब ये बाहर बन रहा है। अब जूस्पोर की अगर बात करेंगे तो ये जियोस्पोरेंजिया है, यहाँ से जियोस्पोर निकलेगा, जब इसमें फ्लैजेला होता है और जब ये फ्लैजेला लॉस्ट कर जाएगा तो बनाएगा सिस्ट, लॉस्ट फ्लैजेला ये सिस्ट बनाएगा और सिस्ट फिर ये डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा यंग थैलस में और फिर ये जियोस्पोर बनाएगा। तो ये एसेक्सुअल मोड का ये हो गया कोनिडिया, ये हो गया जियोस्पोर की बात। अब हम लोग एस्पोरेंजियम की बात करेंगे, एस्पोरेंजियोस्पोर का, तो ये राइजोपस है, इसमें एस्पोरेंजियो स्पोर बनता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। अब क्या अंतर है, तो जू स्पोर और कुनिडियम में क्या अंतर है कि जू स्पोर जो होते हैं उसमें फ्लैजेला होते हैं, कुनिडियम फ्लैजेला नहीं होता है। ये जू स्पोर इनसाइड बनते हैं इंडोजीनस और ये कुनिडिया आउटसाइड बनते हैं जिसको हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल का। इसमें तीन स्टेप मेनली इन्वॉल्व होते हैं, पहला प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लोइड स्पोर। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले माइसीलियम जो कि एन होता है, वन एन होता है, दो डिफरेंट टाइप का हैप्लोइड सेल माइसीलियम आपस में मिलेंगे और बनाएंगे हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। ये हो गया कैरियोगैमी। अब होगा कैरियोगैमी का मतलब हो गया कि दो अलग अलग न्यूक्लियस कैरियोन जो है न्यूक्लियस वो फ्यूज करेंगे और बनाएंगे डिप्लॉयड सेल जिसको हम लोग कहेंगे जायगोट। जायगोट बनने के बाद ये मियोसिस करेगा और हैप्लोइड सेल बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर। ये हो गया प्लाज्मोगैमी जिसमें कि दो अलग अलग हैप्लोइड सेल आपस में मिलेंगे फ्यूज करेंगे और हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बनाएंगे, दो अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। इसके बाद कैरियोगैमी होगा, कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल बनाएगा जायगोट और फिर जायगोट का मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें हैप्लोइड स्पोर बनेंगे और जब हैप्लोइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो बनाएगा माइसिलियम और ऐसे ही सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसका चलते रहेगा। अगर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा तो माइसिलियम से डायरेक्ट जो है वो माइटोसिस करके स्पोर बनाएगा, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है और फिर हैप्लोइड से स्पोर से ही ये जर्मिनेट करके माइसिलियम बन जाएगा। ये एसेक्सुअल साइकिल है। कुछ स्टेज होते हैं इसमें जैसे कि डायकैरियोटिक स्टेज, डायकैरियोफेज जिसको कहते हैं हम लोग, ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में होते हैं। एक्चुअली डायकैरियोटिक स्टेज है क्या, जैसे ही दो ये अलग अलग, एक माइसीलिया है दूसरा ये माइसीलिया है, जब ये प्लाज्मोगैमी होगा दो फ्यूज करेगा तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाए, अगर फ्यूज कर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी, लेकिन कैरियोगैमी के पहले, फ्यूज करने से पहले ये दोनों न्यूक्लियस बहुत समय तक साथ में रहते हैं बिना फ्यूज किए हुए। एक ही सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस इस तरह से साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक करने का मतलब, डाय मतलब दो, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, डायकैरियोटिक स्टेज इसी को कहते हैं, इस फेज को हम लोग कहते हैं डायकैरियो फेज ऑफ फंगस। ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं। जब हम लोग एस्कोमाइसिटिस आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस तरह से डायकैरियोटिक फेज आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, जैगो स्पोर और बेसिडियो स्पोर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिडियो स्पोर का, यहाँ हम लोग देखेंगे कि डायकैरियोटिक फेज क्या है। अब प्लाज्मोगैमी हुआ, दो अलग अलग माइसीलिया है आपस में मिला तो ये प्लाज्मोगैमी हुआ, मतलब अभी एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं। अब ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस है और ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब हर एक सेल में जो माइटोसिस के बाद होगा हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे। यहाँ कैरियोगैमी नहीं हुआ, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं किया है। इसके बाद ये बना देगा बेसिडिया, बेसिडिया के बाद यहाँ पर अब ये कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा और ये अब बनाएगा जायगोट जिसमें कि एक न्यूक्लियस होगा और ये होगा 2n का। अब इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लोइड न्यूक्लिया बनेगा लेकिन एक ही सेल के अंदर रहेगा। जब एक ही सेल के अंदर इस तरह से 4 न्यूक्लियस रहेंगे इसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम विथ 4 न्यूक्लियाई, मतलब 1n प्लस 1n प्लस 1n प्लस 1n, अलग अलग न्यूक्लियस है लेकिन 4 न्यूक्लियस हैं। अब इसमें सेल डिवीजन बनेगा और ये बनाएगा एक सेल में एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियो स्पोर। इसमें डायकैरियोटिक स्टेज आया यहाँ पे, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब
बात करते हैं एस्कोस्पोर के। एस्कोस्पोर क्या है? ये न्यूक्लियर फिजम, ये डायकोरेटिक स्टेज है। इसमें दो न्यूक्लियस है एक सेल में। अब ये फ्यूज करके बनाएगा जायगोट। ये जायगोट बनाया 2N का। अब इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस तो हुआ लेकिन इसका सेपरेशन नहीं हुआ। इस तरह से सेपरेशन जब नहीं हुआ इसमें, और इसी में माइटोसिस हो गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं ये इसको स्पोर जो हैं अंदर में हैं ये बने। तो ये छोटे छोटे जो अंदर है उसको कहते हैं इसको स्पोर, और जिसमें ये है उसको हम लोग कहते हैं एस्कस। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे ओ स्पोर है, जहाँ देखेंगे इसको स्पोर है, जैगो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। जैगो स्पोर क्या है? हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं। दो अलग अलग हाइफा जब आपस में मेटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो ये बनाता है गेमिटेंजिया। इसके बाद बनाता है जैगोट। और जब 2N जैगोट जो है स्पोर, जैगोट से जब स्पोर का डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं जैगोस्पोर, जो कि 2N का होता है। जैगोस्पोर 2N का है, जबकि एस्कोस्पोर 1N का था। वो N का था, वो हैप्लोइड था, लेकिन ये डिप्लोइड है। अब हम लोग बात करेंगे ओ स्पोर की। तो वो स्पोर क्या है? अब कहीं एक जगह से, जैसे कि ये हाइफा है, इस हाइफा के लिए, इस हाइफा के लिए दोनों आपस में मैटिंग होगा, एक होगा ऊगोनियम, दूसरा एंथ्रीडियम। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा ऊ स्पोर। मतलब ऊ स्पोर भी क्या है? ये 2N है। और ये फिर जर्म स्पोरेंजियम में बदल जाएगा, ये 2N होगा, और फिर इसका जर्मिनेशन होगा और फिर ये हाइफा बनाएगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। अलग अलग टाइप के स्पोर देख लिए, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है। अब आते हैं टाइप ऑफ फंगस पे। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो पहले हम लोग बात करें फाइकोमाइसिटीज पे। ये एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। ये डिकेइंग वुड या मॉस्ट पे रहता है, या डंप प्लेस जहाँ पर होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है साथ साथ रहना। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का काम होने का मतलब ये उसके बिना नहीं जी सकता, मतलब ये हमेशा पैरासाइटिक नेचर के ही होंगे प्लांट पे। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जूस्पोर के मदद से, उसको हम लोग कहते हैं अप्लेनोस्पोर भी कहते हैं, जो नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है उसको जूस्पोर, क्योंकि जूस्पोर में फ्लजेला होते हैं, अप्लेनोस्पोर में फ्लजेला नहीं होते हैं। इसका जो माइसिलियम होगा वो एसेप्टेट होगा। एसेप्टेट कहने का मतलब ये माइसिलियम है, इसमें सेप्टा नहीं है, मतलब इस तरह का इसमें सेप्टा नहीं है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक ही में, मतलब इसको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफा। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जैगोस्पोर बनता है। जैगोस्पोर में दो अलग अलग गैमिट का फ्यूज़न होता है, जो जैगोट बनाता है, और जैगोट से फिर बनता है जैगोस्पोर। अब इसमें जो गैमिट बनते हैं ये या तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे या तो डिसिमिलर होंगे। अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोगैमस, अगर ये डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी होंगे तो उसको कहेंगे एन आइसोगैमस या ऊ गैमस। इसका कुछ कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि म्यूकर राइजोपस कहते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, ब्रेड मॉल्स जो हैं, और दूसरा एल्बुगो जो पारासाइटिक फंजी होते हैं मस्टर्ड प्लांट पे। अब नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटी, इसको हम लोग सैक फंजी भी कहते हैं। सैक फंजी क्यों कहते हैं अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जिसको हम लोग सेक्रोमाइसिस एक एग्जांपल है, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पारासाइटिक हो सकते हैं या कोप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब ये डंग में भी ग्रो करते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब सब समझते हैं हम लोग, डेड एंड डीके पे जो जिंदा रहता है। डिकम्पोजर मतलब डेड एंड डीके को जो डिकम्पोज करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। पारासाइटिक मतलब लाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड होता है। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करता है। इसके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कोनिडिया के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एस्कोस्पोर बनता है, इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर हम लोग समझ गए थे
कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और आप बहुत सारे इसको स्पोर्स होते हैं एक ही एस्कस में, हम लोगों ने देखा है पीछे। ये इंडोजीनियसली बनेगा, ये अंदर में ही बनता है इसको स्पोर सेकला के स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको सैक फंजी भी कहते हैं। दीज एस्किस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल द इसको कार्प्स, हम लोग देख लिए हैं पीछे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अस्फरजीलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये मेन एग्जाम्पल इसको लेते हैं क्योंकि इसको बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में इसको एज ए रोल मॉडल यूज करते हैं। मेनी मेम्बर्स लाइक द मोरेल्स वेफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। कुछ मशरूम्स होते हैं, मशरूम भी तो फंगस ही है ना, कुछ मशरूम्स हम लोग खाते हैं जो एडिबल होते हैं। अब नेक्स्ट है बेसिडियो माइसिट्स। कॉमनली ये जाना जाता है कि बेसिडियो माइसिट्स जो होते हैं वो मशरूम हैं, ब्रैकेट फंजी या फफ बॉल की तरह होते हैं। इसको हम लोग डेकोरेशन में भी लगाते हैं या इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और ये ट्री स्टम्प में करते हैं अनलॉग। लिविंग प्लांट बॉडी पे एज ए पैरासाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। इसके माइसिलियम ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इसमें होता है, मतलब दो माइसिलियम जो हैं वो आपस में मिलते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होता, जैसे कि दूसरे में एंथ्रीडियम होता है, ओगोनियम होता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें बस फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल का, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं, जीनोटाइप के होते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए हैं कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का होना अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द बेसिडियम, और जो कि बेसिडियम देता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, उसी में कैरियोगैमी होता है, मतलब ये डायकैरियन जो होते हैं फिर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कैरियोगैमी हो गया, और वहीं पे मियोसिस भी होता है और ये बेसिडियो स्पोर बनाता है, मतलब बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एन होते हैं। दो स्पोर हम लोग समझ गए, जैगो स्पोर 2N होते हैं, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एन होते हैं, और ओ स्पोर 2N होते हैं, ये याद रखना है। बेसिडियो स्पोर एक्सोजीनियसली बनता है बेसिडियम में। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियो कार्प्स, हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर देख लिया है पहले ही। अब कुछ कॉमन मेंबर हैं, जैसे एग्रिकस मशरूम है, जैसे कि स्टुलेगो स्मट है, पक्सिनिया रस्ट फंगस है। इन परफेक्ट जो है फंजी कहते हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग देखते हैं आगे। बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगी आर नोन, अभी तक जो पाया गया इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है, एसेक्सुअल होते हैं या वेजिटेटिव होते हैं, और जो भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं वो जो सुटेबल द ड्यूट्रोमाइसिटी इज रिप्रोड्यूस्ड ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया। माइसिलियम आर सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर, हम लोग बेहतर समझते हैं पैरासाइटिक क्या है, जो लिविंग पर डिपेंड होता है, सेप्रोफाइटिक जो डेड पर डिपेंड होता है, और डीकम्पोजर जो डेड एंड डीके को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटिस, ग्रुप होता है उसमें डाल दिया जाता है, चूंकि ये डीकम्पोजर है इसीलिए मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करेगा। कुछ एग्जाम्पल इसका जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग किंगडम फंगाई का। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिट्स, एसिडोमाइसिट्स और ड्यूटोमाइसिट्स। तो कॉमन नेम इसका कुछ खास कॉमन नेम नहीं है। माइसिलियम इसमें कैसा होता है, सिनोसाइटिक होता है, मतलब कि इसमें सेप्टेड नहीं होता, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो एस्कोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, जो बेसिडोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, और इसमें भी ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में ये सिनोसाइटिक नेचर के होते हैं। अब अगर एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो जू स्पोर होते हैं,
फाइकोमाइसिटिस में इसमें कोनिडिया होता है, वेजिटेटिव होता है सिर्फ, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता और इसमें कोनिडिया होता है, सिर्फ एसेक्सुअल ही होता है इसमें। अब जैगोस्पोर होता है फाइकोमाइसिटिस में, एस्कोस्पोर होता है एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियोस्पोर होता है बेसिडियोमाइसिटिस में, इसमें नहीं पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ही उसका नाम भी पड़ा था। अब इसमें एग्जाम्पल अगर फाइकोमाइसिटिस का देखेंगे त्राजोपस एल्बुगो, अगर एस्कोमाइसिटिस का देखेंगे एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, और अगर बेसिडियोमाइसिटिस का देखेंगे तो एग्रीकस पक्सिनिया, और ड्यूट्रोमाइसिटिस का अल्टीनेरिया ट्राइकोडर्मा। ये था क्विक रिविजन किंगडम फंजाई का। अब कुछ और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इन सब पांचों किंगडम में से कहीं नहीं है, जैसे कि वायरस, वायरोइड और लाइकेन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं वायरस क्या है। ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का गुण होता है कि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। लेकिन वायरस में क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, इसमें और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट मतलब ये पैरासाइटिक तभी हैं जब किसी लिविंग होस्ट में हैं, नहीं तो ये कोई दूसरा मोड नहीं रख सकता। इसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। जब लिविंग सेल के बाहर है तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। जैसे ही एक बार इन्फेक्ट, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट द देम सेल्फ। जैसे ही उसमें इंटर करेगा, ये उसके मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि इसका रेप्लिकेशन का मशीनरी इसके अंदर नहीं होता है और होस्ट को किल कर देता। इसका जो नाम है वायरस का वो दिया गया था पाश्चर डीजे लोबनोवस्की के द्वारा 1892 में। इस पर दो एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे प्रूव किया गया। सबसे पहले M.W. बेजिरनेक है, जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक इन्फेक्टेड प्लांट, टोबैको प्लांट जो था, इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है एक हेल्दी प्लांट में भी। इस एक्सट्रैक्ट को जो फ्लूड था उसको उन्होंने कहा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, मतलब एक लिविंग फ्लूड जो इन्फेक्ट कर सकता है एक हेल्दी प्लांट को। दूसरा एक्सपेरिमेंट इस पर हुआ था, W.M. स्टैनली ने 1935 में किया। उन्होंने बताया कि ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन होते हैं और ये जब आउटसाइड होते हैं तो इनर्ट होते हैं, जब ये स्पेसिफिक होस्ट में जाते हैं तभी ये एक्टिव होते हैं और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इतना बात हम लोग वायरस के बारे में जान गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो टाइप में अगर बात करेंगे तो होस्ट के बेसिस पे कि किस किस तरह होस्ट होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। एक प्लांट वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जनरली जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। दूसरा एनिमल वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इसमें वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, या तो आरएनए होगा सिंगल या डबल कुछ भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। मतलब एनिमल वायरस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब है बैक्टीरियल वायरस, वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यूजुअली इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये बैक्टीरियोफाज से याद आया कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो गंगा का पानी है उसको बहुत दिनों तक रखने के बाद, विशालों पर रखने के बाद वो गंदा नहीं होता। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है? वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज होते हैं, मतलब एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफाज होने के कारण उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, या जिसके कारण इन्फेक्टियस सबस्टांस रिलीज होता है या पानी गंदा होता है, वो उसमें बैक्टीरिया रहने नहीं देता। वो बैक्टीरियोफाज सभी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, मतलब किल कर देता है, इसलिए गंगा का पानी गंदा नहीं होता। अब है वायरस को एक्चुअली अगर देखेंगे सिंपली, तो उसमें एक प्रोटीन कोट होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड, जो कि स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर, जो इसका काम होता है जिसका कि वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिगर में, ये TMB वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें आरएनए है ये, और ये कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सिड है,
ये छोटे छोटे एक एक जो है इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमर, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं कैप्सिड जो प्रोटीन कोट है। हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री में ये अरेंज्ड होते हैं, और ये है बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि डिजीज कौन कौन सा होते हैं। तो एनिमल में बात करें तो मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज हैं। प्लांट की बात करें तो कैसे सिम्टम्स शो करेंगे अगर वायरल डिजीज होगा, तो जैसे कि मोजेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रॉलिंग होने लगेगा, कर्लिंग होने लगेगा, एलोइंग होने लगेगा, वेन क्लियरिंग होने लगेगा, ड्वार्फिंग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा प्लांट, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। ये सभी फिगर से देख सकते हैं, ये टोबैको मोजेक वायरस में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है, ये बार्ली एलो ड्वार्फ है। ये अलग अलग प्लांट डिजीज हैं जो कि वायरस के कारण हुए हैं। एनिमल की बात करें तो इबोला वायरस अभी मोस्ट रिसेंट में सबसे फेमस वायरस था, इबोला वायरस। अब वायरवाट क्या है? वायरवाट 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था, एक नया इन्फेक्टियस एजेंट, ए न्यू इन्फेक्टियस एजेंट जिस जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, मतलब एक लो मॉलिकुलर वेट फ्री आरएनए जिसमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरस से भी छोटा होता है। वायरस में तो प्रोटीन कोट और आरएनए या डीएनए कुछ भी पाया जाता है, इसमें सिर्फ ये एक फ्री आरएनए है जो डिजीज काउज करने का पोटेंशियल रखता है, इसको हम लोग कहते हैं वायरवॉइड। ये वायरस से छोटा होता है, ये पोटैटो में डिजीज काउज कर सकता है, ट्यूबर डिजीज। अब बात करते हैं हम लोग लाइकेन की। लाइकेन हम लोग बेहतर जानते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंजाई का। जो अलगल पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोवायंट। फाइको का मतलब ही होता है एल्गी, और माइको मतलब होता है फंजी। तो फाइकोबायंट और माइकोबायंट ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फाइकोबायंट एल्गी जो कि प्लांट का पार्ट है तो ये ऑटोट्रॉप होगा, ये इसको फूड देता है, और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं खुद से क्योंकि भोजन नहीं बना सकती, ऐसे फूड लेता है, और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए घर देता है। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी रिलेशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसको कहते हैं हम लोग। ये एक गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन का, दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया, किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, नहीं करता है, इसीलिए ये इसको पॉल्यूशन का एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और दूसरों को मदद करें। अगर आपके मन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है इस चैप्टर से, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, या किसी और टॉपिक से या चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।